नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बीजेपी कांग्रेस की तूतू में कोई नई बात नहीं, कभी 70 साल पर तंज तो कभी 7 साल में जनता बिहार जैसे नारों से राजनीति में उथल पुथल बच जाती है। इस बीच कांग्रेस अब आने वाले विधानसभा चुनावों में भले ही पार्टी को मजबूत कर रही हो या फिर नहीं, पर पीएम को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर पलटवार करने की ठान ली है। पीएम ने बातों में कांग्रेस को याद दिला दिया कि अपनी पार्टी खत्म होती जा रही है और कांग्रेस को अभी बीजेपी की चिंता है। कुमकरी नींद सोई कांग्रेस कई राज्यों में चुनाव हार चुकी है। ये नींद अब जब कई और राज्यों में विधानसभा चुनाव है तब जाकर खुलना शुरू हुई थी, तभी तो कांग्रेस ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और महंगाई जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। खैर, कांग्रेस की इस नींद पर पीएम मोदी ने तंज कसा है। बुधवार को पीएम मोदी ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि असम, केरल और बंगाल में हार गए फिर भी कांग्रेस की नींद नहीं खुली, उन्हें अपनी नहीं हमारी चिंता ज्यादा है। ये बात भी सामने आई कि पीएम ने यह भी कहा कि देश में जानबूझकर नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है और वो इस बात को पचा नहीं पा रहे कि हम इतना अच्छा काम कैसे कर रहे हैं और कैसे देश में वैक्सीन की कमी नहीं हो रही। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के बीच की जुबानी जंग चाहे चुनाव हो या फिर कोई और मामला हो, 365 दिन चलती ही रहती है और शब्दों के तीर ना इधर से कम चलते हैं ना असर उनका उधर से कम होता है। लेकिन आने वाले राज्यों में ये तंज किसके काम आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए वीके न्यूज़।